नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉक स्तरीय प्रधान व प्रधानाध्यापक की संगोष्ठी कार्यशाला संपन्न। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हो रही विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं, DBT द्वारा आवंटित धनराशि के 100% प्रेषण व उसके समग्र उपयोग, विद्यालय अवस्थापना के 19 पैरामीटर, नई शिक्षा नीति व निपुण भारत मिशन आदि के विषय में ब्लॉक छानबे के ग्राम प्रधानों एवं प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला का आयोजन महाशक्ति कॉलेज बिहसड़ा में आयोजित किया गया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी छानबे राजेश श्रीवास्तव, राज्य संदर्भदाता दिनेश चंद्र शुक्ल, प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी, आनंद मोहन सिंह, विनोद यादव, चंद्रशेखर मौर्य, पंच बहादुर सिंह, महाशक्ति कॉलेज के प्रधानाचार्य सुशील सिंह, ब्लॉक ARB टीम आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा माँ सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयपुर के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक विद्यालय कोलाही UPS कोलाही के बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन श्री अमरेश कुमार शुक्ला जी द्वारा किया गया। ARP श्री अखिलेश द्विवेदी ने DBT के माध्यम से विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही 1200 की धनराशि, जिसमें 2 सेट यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग, स्टेशनरी का क्रय किया जाना है कि उपयोगिता के बारे में तथा सही उपयोग के बारे में उपस्थित अभिभावकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों को बताया। आकार कैसे करें? हम सभी विद्वान साथी हैं, हमारे सम्मानित प्रधान बंधु हैं। जब दोनों का समन्वय होगा तब जाकर के हमारा अंत्योदय जो है वह सफल होगा। मैं छोटी सी कहानी ARP श्री महीप शुक्ला एवं प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय बालापुर श्री आदेश शुक्ला द्वारा विभिन्न परिषदीय स्कूलों में चिन्हित 19 मूलभूत सुविधाओं के संस्कृतिकरण, क्रियाशीलता, उच्चारण हेतु ऑपरेशन कायाकल्प विषय पर वीडियो के माध्यम से व्यापक जानकारी देते हुए विभिन्न ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। राज्य संदर्भदाता समूह श्री दिनेश चंद्र शुक्ल जी द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 निपुण भारत मिशन, निपुण लक्ष्यों एवं निपुण भारत मिशन के बारे में जानकारी दी गई। खंड विकास अधिकारी छानबे ने विद्यालयों में सकारात्मक स्थिति की चर्चा करते हुए सभी प्रधानाध्यापकों, अभिभावकों, प्रधानों का समन्वय करते हुए ब्लॉक को निपुण लक्ष्य रैंक में प्रथम स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा। गोपाल जी पांडे ने बहुत ही सुंदर तरीके से अंत्योदय पर प्रकाश डाला। सुशील सिंह ने सभी अध्यापकों से कहा कि अपने कार्यों का निर्वहन करें। उन्मुखीकरण गोष्ठी में ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की उपस्थिति एवं की सक्रिय भूमिका रही। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम? राजेश श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी छानबे। आज विकास क्षेत्र छानबे के ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों की उन्मुखीकरण गोष्ठी एवं कार्यशाला महाशक्ति इंटर कॉलेज बिहसड़ा के प्रांगण में आयोजित की। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि हमारे जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनको DBT का पैसा ग्राम उनके अभिभावकों के खाते में प्रेषित किया गया है, वो उन तक पहुँचे और उस पर जो है सही ढंग से उसका उपयोग हो पाए, ताकि बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं विभाग के द्वारा वो उनको प्राप्त हों। इसके लिए ग्राम प्रधानों को मोटिवेट प्रेरित किया गया कि वो उनके अभिभावकों से संपर्क करें और ये सुविधाएं उनको पूरी तरह की प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में जो कमियाँ अभी भी रह गई हैं उन पैरामीटर में वो पूरी कराने के लिए भी उनसे अनुरोध किया गया। और वीडियो साहब भी इसमें थे, उन्होंने भी ग्राम प्रधानों को ये निर्देश दिया है कि उनके द्वारा विद्यालय में जो कमियां हैं प्रधानाध्यापकों को प्राप्त करके वो पूरी कराई जाए। क्या लगता है कि संगोष्ठी करने से कायाकल्प और निपुण भारत में और तेजी आएगी? बिल्कुल, ये समन्वय बनाने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई थी और निश्चित रूप से इसमें गोष्ठी के बाद प्रधानाध्यापक और प्रधानों के बीच में समन्वय बढ़ेगा और जन समुदाय के माध्यम से SMC के सहयोग से विद्यालयों को और निपुण बनाने का, बच्चों को जो लक्ष्य प्राप्त करना है बच्चों को निपुण बनाने के कार्य में ये गोष्ठी जो है बहुत सहायक सिद्ध होगी। ठीक। प्रधानाचार्य महाशक्ति इंटर कॉलेज बिहसड़ा मिर्जापुर कार्यक्रम संयोजक। आज के आपके विद्यालय में आज जो है ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक की एक बैठक की गई है। आज जो है विद्यालय में छानबे ब्लॉक के ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापकों की एक उन्मुखीकरण बैठक हुई है, जिसमें कि मिल के जो है शिक्षा के स्तर को
ऊंचा करना है तथा जो है जो हमारे गरीब छात्र आते हैं उनके स्तर को उनको निपुण लक्ष्य जो है प्राप्त कराना है। आज इस उद्देश्य था, इसमें जो हमारे खंड विकास अधिकारी प्रधान और सारे प्रधानाध्यापक उपस्थित थे और विद्यालय स्तर पर जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नाम बताएं सर? चंद्रशेखर कुशवाहा, ग्राम प्रधान भैंसरा कला। जी सर, आज महाशक्ति इंटर कॉलेज में कार्यक्रम था जिसमें आप सम्मिलित थे, क्या कार्यक्रम था? जी हाँ, आज एक महाशक्ति इंटर कॉलेज भैंसरा में प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधानों का समन्वय संगोष्ठी थी जिसमें वीडियो साहबान और डायट प्रवक्तागण और एबीएसए साहब और सभी गणमान्य प्रधान बंधु वहाँ पर सभी एकत्रित हुए। संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? हाँ, संगोष्ठी का उद्देश्य था कि ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्यों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जिससे कि हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है या जो हमारा जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय है उसमें जो 19 बिंदु हैं संतृप्तता के वो पूरित किए जा सके और उसे वो संतृप्त किया जा सके और विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं को संतृप्त किया जा सके, इसी संबंध को लेकर के प्रधानाचार्यों एवं ग्राम प्रधान लोगों का एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से। छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये आए हैं, तो क्या लगता है कुछ पैसे का उपयोग किया जा रहा है? सरकार देखिए एकदम प्रयासरत है कि हर बच्चे को कॉपी कलम जूता मोजा टाई शर्ट पैंट इत्यादि सब कुछ उसको इस जो डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये भेजा जा रहा है उससे अभिभावक ये सब सारी चीज़ें खरीदें और जो हमारा छात्र है वो एकदम वेल मेंटेन होकर विद्यालय जाए। हमारे गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल कॉन्वेंट की तरह सज धज कर विद्यालय जाए, लेकिन अभिभावक लोग इन पैसों का, सभी अभिभावक तो नहीं है लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो इन पैसों का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे आज भी कुछ बच्चे बिना ड्रेस के जा रहे हैं। तो क्या प्रयास रहेगा आपका जो अभिभावक दुरुपयोग कर रहे हैं? जी देखिए, हमारा प्रयास है कि हम अभिभावकों को मोटिवेट करें और हर स्तर से जिस स्तर से भी हम मदद कर सकते हो बच्चों के स्तर पर अभिभावक के स्तर पर जा करके उनको मोटिवेट करें कि आप इन पैसों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें जिससे आपके भविष्य के जो निधि हैं, जी हाँ बच्चे हमारे भविष्य के हमारे निधि होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग धन बैंकों में जमा करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज इन बच्चों के पीछे धन अगर जमा करेंगे अर्थात धन का सदुपयोग करेंगे और ऐसा धन जो कि आपको अपने पॉकेट से नहीं लगाना है, गवर्नमेंट खुद दे रही है, अगर आप उस धन से बच्चों को वेल मेंटेन ढंग से विद्यालय भेजते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति रुझान आएगा और वो शिक्षा के प्रति समर्पित। कितने प्राइमरी और जूनियर आपके ग्राम सभा में? जी हमारे ग्राम सभा में तो 2 प्राइमरी हैं, 1 कंपोजिट विद्यालय है और 1 जो है इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ हमारा जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय है।